जम्मू कश्मीर के दोदा में आतंकी हमले में कैप्टन दीपक शहीद हो गए थे। 25 साल के कैप्टन देहरादून जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि डोडा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसी गोलीबारी में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टीम अस्सर के शिवगढ़धार इलाके में आतंकियों की तलाश में निकली हुई थी। इसी बीच सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलीबारी की गई। मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह को भी एक गोली लगी। कैप्टन दीपक का पार्थिव शरीर गुरुवार 15 अगस्त को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डोईवाला से जाऊद हुसैन की रिपोर्ट।